हरियाणा सरकार लगातार बच्चियों की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठा रही है। इसके बावजूद प्रदेश के निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल, राज्य में बच्चियों के साथ बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हिसार के एक निजी स्कूल लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल का है। यहाँ चौथी कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 9 साल की बच्ची के मुंह पे काला रंग लगाकर सभी कक्षाओं में घुमाया गया। इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि क्लास की जांच परीक्षा में अंक कम आए थे। स्कूल ने यह कारस्तानी कुल 5 बच्चों के साथ की, जिसमें 2 छात्राएं और 3 छात्र शामिल हैं। अभी हमारे संज्ञान में आया कि 10-12 साल की छोटी बच्ची के साथ सरकारी स्कूल के अंदर स्टाफ के द्वारा व कुछ अन्य लोगों के द्वारा होमवर्क ना करने की वजह से, जातिवादी मानसिकता की वजह से मुंह काला करके घुमाया गया है। तो यह घटना बहुत बड़ी निंदनीय है, शर्मसार करने वाली है। हिसार जैसे एजुकेटेड शहर के अंदर हम कतई इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह की वारदात यहाँ घटित होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, बीजेपी सरकार के शासन में जगह जगह महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कंप्लेंट मिली थी, यहाँ स्कूल है उसमें बच्ची के साथ कोई उसका मुंह काला करके स्कूल में घुमाया गया था, जिसकी कंप्लेंट मिली है और हम उसकी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी जांच करेंगे अब, वो तो हालात पे डिपेंड करते हैं। अभी कंप्लेंट में आगे क्या निकल के आता है, डीएसपी साहब की लेवल की डीएसपी साहब करेंगे, अगर मेरे को करनी होगी तो मैं। ठीक है, उनके घर पे भी जाके आए, क्या निकला, क्या वो आए? अभी घर पे नहीं थे, कोई घर बंद थे और स्कूल भी बंद था, स्कूल में भी जाके ऐसे शेम तो करवाई थी। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी क्लास में? उसी क्लास में और क्लास पूरे स्कूल में ही। अच्छा, कितने बच्चे थे? 5 या 6 या 7 बच्चे थे। तो आप कौन सी क्लास में हो? 6th में। नहीं, प्रिंसिपल ने मजाक भी उड़ा था बच्चे को, सही बच्चों का? नहीं, प्रिंसिपल मैम तो नीचे ही थी ना। अच्छा, तो क्लासों में कौन लेके गया था इनको, दूसरे टीचर लेके गए थे? हाँ, मैं टेस्ट में कम मार्क्स आए थे। फिर मैम ने जोर से बोलो बेटा, थोड़े जोर के बोलो। फिर मैम ने मुंह काला करके पूरे स्कूल में घुमाई थी। कितने बच्चे थे आप जिनके मुंह काला किए? 6 और लड़कियां कितनी थी? 2। दरअसल ये बीते शुक्रवार की घटना है। इस बात की जानकारी परिवार को शनिवार को मिली, जिसके बाद परिजनों ने रविवार को शहर की सब्जी मंडी चौकी में इस बारे में शिकायत दी। सोमवार को परिजनों सहित सैकड़ों लोग चौकी पहुंचे और बच्चे के साथ अभिभावकों के बयान दर्ज किए गए। हिसार से न्यूज के लिए